चिकन जल फ्रेजी एंड एग फ्राइड राइस बना रहे हैं। ये चूजो हमें क्या क्या चाहिए चिकन जल फ्रेजी बनाने के लिए? योगर्ट, चिकन जल फ्रेजी स्पाइस एंड ऑनियन, कैप्सिकम एंड गार्लिक। ओके डन, चले लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं क्या क्या करते हैं। ले बेटे, अब यहाँ पर इसमें हमने डालना है स्पाइस, इसमें डालना है, ठीक है? आप डालिए। बस बस बस, इनफ इनफ। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स कीजिए। गुड, अच्छा सा इसे मिक्स करना है। फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चूजू, अब हम क्या करेंगे? चिकन ऐड करेंगे। चलिए इसमें ऐड करते हैं चिकन। आप इसमें मिक्स कीजिए। ये गुड, अच्छे से मिक्स करना है इसको। मिक्स वेल। यस, अच्छे से मिक्स होगा। उसको थोड़ा थोड़ी देर के लिए हम मैरिनेट कर देंगे, ठीक है? ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए, फिर उसका ताकि टेस्ट ही मजे का। यस, टेस्ट बहुत मजे का होगा। इसको थोड़ा सा मिक्स करके हम इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। ओके, ठीक है जी। फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया पहले चूजू? सबसे पहले कढ़ाई में हमने ये गार्लिक थोड़ा सा डाल के, अब हमने इसको क्या करना है, गोल्डन, अच्छी तरह गोल्डन करेंगे, ब्राउन करेंगे, इसलिए इसका टेस्ट बहुत मजे का। चूजू, तो अब ये हम टमाटर डालेंगे और इसका हमने क्या बनाना है, मजे का पेस्ट। जैसे कितने ना पेस्ट सा वो बन जाएगा ये, और इसका टेस्ट भी बहुत मजे का आएगा, डिलीशियस सा। ये देखें कितने मजे का पेस्ट बन रहा है, क्या कलरफुल सा पेस्ट आ गया ना, रेड रेड सा, जबरदस्त। देखने में कितना यमी सा लग रहा है ना। यस, टू गुड। चले इसको पेस्ट अच्छा सा ये हो गया। जी फ्रेंड्स, तो हम लोग अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमने चिकन मैरिनेशन के लिए रखा था, अब वो हम ऐड कर रहे हैं जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था टमाटो का, उसमें हमने ये चिकन ऐड कर दिया जी। तो अभी हम इसको अच्छा सा पहले इसको भूनेंगे, देखिएगा इसकी कितने मजे की ना शेप आ जाएगी। जबरदस्त, क्या मजे का कलर, मजे की खुशबू आ रही है ना चूजू। यस, मुझे तो दिल कर रहा है कि इसकी इतने मजे की ग्रेवी, इतने मजे का कलर है कि दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लूं। ऐसे ही खा लेते हैं। चले खैर, मजीद देखते हैं इसको हम क्या ऐड करते हैं इसमें। जी फ्रेंड, तो अब हमने जल फ्रेजी में क्योंकि हमने वेजी डालनी है, तो हम क्या करें चूजू, उसको हम डाल रहे हैं ऑनियन और कैप्सिकम। पहले हम ऑनियन को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे, सोती सा कर लेंगे, देन हम कैप्सिकम को फ्राई करेंगे। ओके, नाउ वी आर एडिंग कैप्सिकम। जी फ्रेंड्स, जो हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, ये ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं। अब हम इसमें क्या करने लगे हैं कि जो वेजी हमने फ्राई की थी वो हम डाल रहे हैं सारी वेजी, ताकि इसका कलर इतना ही प्यारा है, फिर भी और प्यारा करने के लिए हमने वेजी डाली और ये बहुत प्यारा सा कलर आएगा। अब ये वाइट एंड ग्रीन लुक के साथ देखें कितने मजे की ग्रेवी रेडी हो रही है। और अब अभी हम इस हल्का सा इसको भूनेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारी जो है जल फ्रेजी रेडी हो गई है। यस जी फ्रेंड्स, तो जल फ्रेजी हमारी रेडी हो गई है। इट लुक्स यम्मी। जी फ्रेंड्स, ये मैं इसमें पानी में थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके हम इसमें डाल रहे हैं, ये सिर्फ एडिशन के लिए डाल रहे हैं। अगर आप की चॉइस है कि आप अगर डालना चाहे जरूर डालें, मैंने क्योंकि राइस के साथ सर्व करना है, थोड़ा थिक थिक अच्छा लगेगा, मज़ेदार लगेगा, इसलिए मैं ये कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही हूँ इसमें। जी इट्स रेडी, लुक इट्स टू यमी एंड ब्यूटीफुल। वी विल डिश आउट नाउ एंड टेस्ट। जी फ्रेंड, तो हमने चिकन जल फ्रेजी अपनी रेडी कर ली है और झटपट सा हमारा फ्राइड राइस भी रेडी होने वाला है। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया चूजू? हमने उसके लिए लिया है गार्लिक और उसको गोल्डन ब्राउन करने लग गया। जी बिल्कुल, ये देखें गोल्डन ब्राउन होने लगा है। जी फ्रेंड, तो हमारा गार्लिक जो है वो देखें कितने मज़े का गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम ये जो हमने क्यूब्स किए हुए थे गाजर के, ये हम इसमें मिक्स करके थोड़े से फ्राई करेंगे ताकि वो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाए, ठीक है? और इसके अलावा हमने ये कैबेज ली हुई है, ये हम डाल रहे हैं, इसको भी हल्का सा ऑयल में फ्राई करेंगे।
जी फ्रेंड वेजी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसमें ये मैं सॉल्ट डाल रही हूँ एज़ पर योर चॉइस, जैसे आपको हो वैसे आप डाल सकते हैं इसमें। और सॉल्ट के अलावा मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है, क्योंकि इसका अपना एक टेस्ट होगा जो हमारे राइस के साथ आएगा। सेकंड जो मैं डालूँगी सोया सॉस भी थोड़ी सी डालूँगी, यू नो कि चाइनीज़ हो और इस तरह की आपके पास जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो तो मस्ट इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। और हम इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद हम राइस ऐड करेंगे। फ्रेंड एग फ्राइड राइस में हम फ्राइज भी ऐड करेंगे। ये राइस मैंने बॉयल करके ऑलरेडी रख लिए थे और ये हम अपनी कढ़ाई में ऐड कर रहे हैं राइस, साथ ही अब हम इसमें डालेंगे मिक्स वेजी जो हमने फ्राई की थी। ये देखें अब ये इसमें पहले मैंने थोड़े से राइस डाले, अब जो मैंने बाकी राइस रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि मिक्स अच्छे से हो जाए, क्योंकि आपको पता है इसकी मिक्सिंग बड़े एहतियात से करनी होती है ताकि राइस हमारे जो है वो टूटे ना, ठीक है। और इसमें हम अब ये राइस जो हमारे पास बाकी थे ये हम मज़ीद डाल रहे हैं और ये देखें इसके अच्छा सा मज़ेदार सा मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें अच्छी से रच बच जाएँ एक दूसरे के साथ। फिर हम अब इसमें डालेंगे जी क्या क्या जो हमने एडिशन हमारे पास पड़ी हुई थी चीज़ें, उसमें हमारे पास था एग, एग था और ये एग हमने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ था। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, वाइट एंड येलो। और ये जो मेरा फेवरेट फ्राइज है, ये मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट फ्राइज है, मैंने स्पेशली डलवाए हैं, स्पेशली मिक्स करवाए हैं जी इस फ्राइज में, और ये बड़े यम्मी लगते हैं, बच्चों को तो वैसे ही बड़ी फेवरेट है। तो हमने ये किया और साथ थोड़ा सा और ब्लैक पेपर डाला ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट हो जाए इसका। और ये फिर हमने इसको फिर मज़ीद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और ज़बरदस्त किस्म की डिश जो है वो हमारी रेडी हो रही है। ये ओके फ्रेंड्स टेक केयर, आई लव यू।